ये लोग कैसे कैसे चीजें बना रहे हैं। सुनो, एक कंपनी है मेमो सेव, ये लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है ये लोगों की मेमोरी सेव कर सकते हैं। हाँ, ऐसी चीजों पे कौन भरोसा कर सकता है। आर्यन, आर्यन देखो बेटा मामा क्या बना रही है। आर्यन हाँ, अच्छी अच्छी है। कम हियर एट वंस। यार क्या है, खेल रहा हूं मैं। क्या है? बेटा देखो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये पेंटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? ये वो जगह है जहां मैं और तुम्हारे पापा पहली बार मिले थे। आपको याद है वो पेंटिंग जो मैं बना रही थी? हमारे सबसे खुशनुमा पलों में से एक मैंने उस पेंटिंग में सजाया। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या प्यार और खूबसूरती से तुम उस पेंटिंग को बना रही थी। मुझसे तो वो पूरी हो ना सकी, शायद तकदीर को यही मंजूर था, शायद उसका आपके हाथों से पूरा होना लिखा है। अरे ऐसा थोड़ी बोलते हैं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, हम साथ में बना लेंगे। देखिए आप उसे पूरा कर दीजिएगा, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। जब भी ब्रश उठाऊं, तुम्हारी माँ की याद मुझे पेंटिंग कंप्लीट ही नहीं करने दे रही। घंटों से ये सिलसिला चल रहा है, पता नहीं कभी कर भी पाऊंगा कि नहीं इसे कंप्लीट। पापा सब ठीक हो जाएगा। पापा पापा चलिए मैं आपको एक स्पेशल जगह लेके चलता हूँ। कहाँ? वो आपके दिल के बहुत करीब। पापा चलिए। कहाँ जा रहे हो? पापा चलिए तो सही। तो पापा कैसा लगा आपको यहाँ आके? मन हल्का सा हो गया बेटा। तुम्हारी माँ और मैं अक्सर यहाँ आया करते थे पेंटिंग सीखने। अच्छा, इसीलिए माँ इस जगह का जिक्र बार बार करती थी। हाँ, अरे तुम्हें भी पेंटिंग सीखना चाहिए। कहाँ पापा, आपको पता ही है कहाँ ही कर पाता हूँ मैं ये सब। तुम्हारी माँ भी यही कहा करती थी, नाना करके पता नहीं कितनी खूबसूरत पेंटिंग करने लग गई थी वो। आओ घर चलते हैं, तुम्हें भी सिखा दूंगा। चलो। हेलो। हाँ क्या? डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ मेरे पापा को? क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट, कहाँ पर सर? नाम क्या है उनका? नाम क्या? राजेश राजेश। लेट मी चेक। हाँ जी हाँ जी, अभी अभी एडमिट में है वो। सर ही मेट विद एन एक्सीडेंट। सर ये कब हुआ सर? ये थोड़ी देर पहले की बात है। ही वाज इन दी ओटी राइट। सर प्लीज मेरे को पापा से मिला दीजिए सर। नहीं नहीं सर, देखिए देखिए डॉक्टर साहब वर्किंग ऑन हिम, ही जस्ट केम आउट ऑफ द। सर प्लीज मुझे देखना है सर, प्लीज सर। सर प्लीज का मतलब प्लीज। ठीक है, रूम नंबर 301 में चल रही है। 5 मिनट। पापा पापा आपको क्या हुआ पापा? ये कब हुआ पापा? कैसे हुआ पापा? ठीक हो ना पापा? क्या हुआ पापा? बेटा तुम्हारी माँ मुझे बुला रही है। पापा आप ये क्या बोल रहे हो पापा? आपको कुछ नहीं होगा पापा। बस उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर सका,
इसका काम नहीं। पापा आप क्या बोले जा रहे हो, पापा पहले मम्मी और बाप, पापा कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ को अल्जाइमर्स की बीमारी थी और वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, अपना ख्याल रखना बेटा। पापा कुछ नहीं होने दूंगा पापा आपको। डॉक्टर डॉक्टर मिस्टर अंशु प्लीज, एक डॉक्टर प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, ये रिपोर्ट। इसमें मैंने बैलेंस शीट भी बोली थी, वो कहाँ है सर? बैलेंस शीट, अरे मैं ये कैसे भूल गया सर, मैं इसको दोबारा चेक करके दोबारा। ठीक है सर। क्या आज पापा का बर्थडे है? मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? कहीं पापा जिस बीमारी के बारे में बता रहे थे मुझे, कहीं बीमारी तो नहीं हो गई? सुनो, एक कंपनी है मेमो सेव, ये लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है ये लोगों की मेमोरी सेव कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो, how can I assist you sir? Actually I am here to store my memory. Oh, is it your first time storing a memory with us? Yeah it is. Okay, I'll need to call the manager, just wait for a moment. Okay. Hello sir, so we have a client here who would like to store a memory. Okay sir, thank you. This way sir. Okay, thank you. Actually mera first time hai तो मुझे थोड़ा डर लगता है। अरे सर डरिए मत, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं सर, जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर globally trusted है सर। और सर इसकी प्राइवेसी वगैरह की मेरे तक ही रहेगी है। सर जो हमारा प्राइवेसी इज आवर फर्स्ट कंसर्न सर, आपकी प्राइवेसी हमारी प्राइवेसी सर। जी जी सर, आप बता सकते हैं मेरे को एक्चुअली कि आप क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? हाँ ओके सर, मैं आपको ना अपने न्यूरो साइंटिस्ट से मिलाता हूँ, आपको अच्छे समझा पाएंगे सर, आइए। ओके सर, आप रिलैक्स हो जाइए, अब हम आपके न्यूरॉन से आपका डेटा सिस्टम में ट्रांसफर करेंगे। अब हम आपके ब्रेन सेल से डेटा कलेक्ट करके अपने सिस्टम में भेजेंगे ताकि वो एनक्रिप्ट हो जाए, जिसकी एक्सेस की सिर्फ आपके पास रहेगी। पापा ने मुझे पेंटिंग सिखाते वक्त कुछ जरूरी बातें बताई थी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, करता हूँ आपको कॉल, अभी करता हूँ। हेलो सर। हेलो सर, क्या हो गया सर, बताइए। सर एक्चुअली मेरे को अपनी मेमोरीज देखनी है सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ सर, प्लीज मुझे मेमोरीज दिखा दीजिए। सर आप अपने एन्क्रिप्शन के साथ लेके आए ना? यस सर, यस सर। ओके सर, चलिए मेरे साथ। बेटा इस स्ट्रोक में प्रिसिशन बहुत जरूरी है, कमाल गाइड हो। हाँ इतना टाइट मत पकड़ो, हाँ ऐसे। कैसे लगा इसका ग्रिप? काफी अच्छा ब्रश है, काफी प्रीमियम फील हो रहा है। हाँ तभी कंट्री के बेस्ट पेंटर्स इसी ब्रश से पेंट करते हैं बेटा, समझे? और इनका 47% मार्केट शेयर है। अरे तुम पे तो कलर्स लग गया। ओ शिट, मेरे को तो स्किन एलर्जी भी है। कोई बात नहीं बेटा, जैवलिन के कलर्स 100% स्किन फ्रेंडली और क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं, एंड हेंस ऑलवेज यूज जैवलिन कलर्स। ओके। यार ये क्या देखा मैंने, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था क्या?
तो डॉक्टर रॉय कैसी चल रही है सिमुलेशंस? सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई है? सर कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स के केस में उनकी मेमोरी में ओवरराइट हो रहा है। क्या मतलब? मतलब सर Z13 जीनोटाइप वाले पेशेंट्स में वो अपनी मेमोरी जब रिव्यू करने आते हैं तब उनके ब्रेन सेल्स में हमारी एडवर्टाइजमेंट वाली मेमोरी ओवरराइट हो रही है, जिससे कि उनकी ओरिजिनल मेमोरी भी डिस्टॉर्ट होने के चांसेस हैं। और ये बात तुम मेरे को अब बता रहे हो जब मैं करोड़ों की कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठा हूँ। सर बट इट्स वेरी लेस, इट्स 0.06%। अरे इतने कम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बट कुछ टाइम के लिए हम एडवर्टाइजमेंट दिखाना बंद कर सकते हैं। अरे 59% रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से ही तो आ रहा है। सर बट ये अनएथिकल। और एक बात और सुन ले, ये बात चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। सर ये रिपोर्ट्स तो देखिए सर एक बार। अरे अपने काम पे ध्यान दे। ओके सर। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ है। ऐसे सबको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। नहीं सर क्या प्रॉब्लम आ गई? लोगों की औरतों के साथ खेल रहे हो तुम लोग। सर आप 5 मिनट जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। छोड़ूंगा क्या तुम लोगों को। सर हुआ क्या? सब सुन लिया मैंने, कोई सेफ वेफ नहीं है ये। सर बैठ के बात करते हैं, आप आइए मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है, मुझे एक बार पूरी बात समझाइए आप। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सिर्फ यादें ही थी मेरे पास, उसका भी तुमने धंधा बना दिया। सर समझिए। देख लूंगा मैं तुम्हें कोर्ट में। सर कोर्ट की बात कहाँ से आ गई, बैठ के सुलझा लेते हैं। सर आइए। बैठेंगे तो कोर्ट में। सर रुकिए सर। गुप्ता जी बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ। सर वो आज ऑफिस में एक्चुअली एक इशू हो गया है। क्या इशू हो गया भाई? सर अपने क्लाइंट को ना मेमोरी ओवरराइट वाली बात पता लग गई है सर। वो कैसे? सर उसको अपनी एक्चुअली सारी मेमोरीज याद है। अच्छा यार, जो डॉक्टर कह रहा था वो कहीं बात सही तो नहीं होगी। सर हाँ एक बात और सर, वो ना एक्चुअली कोर्ट में जाने की बात कर रहा था सर। कोर्ट में? मिश्रा जी से बात करो, वो हैंडल कर लेंगे। सर हाँ वो तो, लेकिन ये इशू थोड़ा बड़ा हो सकता है सर। कोई नहीं वो संभाल लेंगे, एक बार बात करो उनसे। ओके सर। अरे मिश्रा जी आइए बैठिए, आज क्या नई चीज़ लाए? जज साहब इस बार बड़ा क्लाइंट का मामला है। जी बताइए क्या मामला है? मामला थोड़ा गंभीर है। गंभीर है तो क्या हुआ? कोर्ट सब देख लेगा, कानून सब देख लेगा। आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? सेवा भाव तो भाई अब कोर्ट देखता है। तो उनकी तरफ से एक छोटी सी तोहफा है, देख लीजिए थोड़ा। ये अपने घर की बात है, ये तो देख लेंगे मिश्रा जी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को मेमोसेफ ने गुमराह किया है। कंपनी ने चंद पैसों के लिए मेरे क्लाइंट की प्राइवेसी और उनकी कीमती यादों को चंद पैसों में तोल दिया है, बिना ये परवाह किए कि ये यादें उनके जीवन में कितनी अहमियत रख सकती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमारा कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस में ये साफ लिखा है कि हमारा कंपनी एक टेक एक्सपेरिमेंटल स्टार्टअप है और इसको थर्ड कंपनी को भेजा जा सकता है, और मिस्टर आर्यन ने इस पे साइन भी किया है। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने कभी कुछ ऐसा साइन ही नहीं किया है। हियर इज द प्रूफ योर ऑनर। लेकिन मिस्टर आर्यन आपके तो इस पे साइन है। सर मैंने कभी कुछ ऐसा साइन ही नहीं किया है, ये फेक है। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर आर्यन के इल्जामों को खारिज करा जाता है, लिहाजा ये अदालत मिस्टर आर्यन को मेमो सेफ पे गलत इल्जाम और कोर्ट का कीमती वक्त जाया करने पे सेक्शन 182 सेक्शन 188 के तहत ₹10,000 का जुर्माना लगाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोलता, शायद इसीलिए कि उसे यकीन होता है अपनी कही सुनी या देखी बातों पर, जो उसकी यादों के रूप में रह जाती है और उन पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए कुछ यादें कभी भूली नहीं जाती।